जय माता रानी। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मुझे पता है आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो चलिए, नमकीन किचन में आप सबका स्वागत है। देखते हैं किचन में कौन सी रेसिपी बन रहे हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं किचन में, आज बन रहे हैं। आज हम दही बड़ा बनाने जा रहे हैं, तो इसके लिए हमने 1 चम्मच जीरा भुना पाउडर और 2 साबुत लाल मिर्च को हमने भून कर उसका पाउडर बना लिया है, और 1 चम्मच हमने काला नमक, 1 चम्मच सफेद नमक को मिला के उसका पाउडर बना लिया है, जो इसको छिड़काव करना है। तो देखिए, दही बड़े के लिए हमने 200 ग्राम सफेद वाले उड़द की दाल को भिगो दिया है 8 घंटे के लिए। अब हम इसको धो ले रहे हैं, धो के मिक्सी जार में इसको पीस लेंगे और ये बहुत जल्दी ही फूल जाते हैं। आप चाहे तो 12 घंटे के लिए भी फुला सकते हैं। तो देखिए, हमने जो है इसको इस तरीका से मिक्सी जार में भून ले रहे हैं। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये पीस गए हैं और ये बहुत ही महीन हमने पीस लिया है। इसको पीस के हमने एक बाउल में इसको पलट दिया है। अब इसमें हमें 1 चम्मच सोडा डाल देना है, मीठा सोडा जो होता है ना, इसको हमको इसमें डाल देना है। और यहाँ हम थोड़ा सा आधा चम्मच हम जीरा पाउडर इसमें सॉरी जीरा साबुत जीरा हम इसमें डाल देंगे। तो देखिए, हमने डाल दिया है और यहाँ हमने हींग डाला है। हींग को थोड़ा सा हमें अधिक ही डालना है, यानी 1/4 चम्मच हम हींग डाल सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा भी अगर पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें डाल के हम इसको अच्छी तरीका से मिला ले रहे हैं। फिर हमें इसमें थोड़ा सा नमक डालना है, बहुत ही हल्का सा नमक डालना है। तो देखिए, हम यहाँ नमक को भी डाल दे रहे हैं और इसको अच्छी तरीके से मिला ले रहे हैं। तो मिला के हमें बस यहाँ अब हमको बनाना है, बिल्कुल हमारा तैयार हो गया है। आप इसको फेंट लीजिए, फेंट के और इसको आप बनाइए। मिक्सी के जार में खुद ही फिटना फिट जाते हैं कि इसको पानी में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपने आकार से बना सकते हैं, दही बड़े या चिपटे वाले बना सकते हैं या गोले वाले। हम यहाँ चिपटा और गोला दोनों ही मिक्स में बना रहे हैं। आज नागपंचमी है, इसलिए हमें बहुत जल्दी है, इसलिए हम यहाँ बना रहे हैं। तो हम सोचे आपके ऊपर भी दिखला देते हैं। तो देखिए, हम जो है ये हाथ में वो डाल के नहीं बना रहे हैं। तो इस तरीका से हमें डाल के उंगली से थोड़ा सा चिपटा कर देना है और बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट बना हुआ है और बहुत ही गुलगुले की तरह एकदम अच्छे हैं, अंदर से फूल गए हैं। तो देखिए, हमें इस तरीका से इसको धीमे धीमे आँच पर तल लेना है। बहुत धीमा आँच नहीं, बहुत तेज आँच भी नहीं, धीमे आँच पर इसको हमको तल लेना है। तो इसको हम देखिए तल रहे हैं, और आप चाहें तो इसको दही में भिगो सकते हैं और चाहें तो आप ऐसे भी कुरकुरे खा सकते हैं चटनी के साथ। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं दोस्तों। तो देखिए, आप सब ने तो बनाया होगा, लेकिन मेरे तरीके से एक बार बना के देखिए। तो देखिए दोस्तों, हमें इस तरीका से इसको डाल देना है। सबसे मुख्य बात है कि इसको आप जितना भी फेंटिए उतना अच्छा है, और मिक्सी के जार में अगर बहुत ज़्यादा चलाते हैं तो वो खुद फिट जाता है, नहीं तो हाथ से आप देख लीजिए, इसको अच्छी तरीका से फेंट दीजिए। पानी में डालिए, अगर पानी में उतला जाता है तो समझिए ये बिल्कुल भी फूल गए हैं। आप चाहें तो बाजार की जो धोई होती है ना, उसको भी ला के फेंट के बना सकते हैं, लेकिन ये वाली जो है बिल्कुल भी अपने आँख के सामने होती है। तो अच्छी तरीका से हम घर में ही फुला के इसको बना लेते हैं, तो ये और भी अच्छे होते हैं, मीठे लगते हैं। तो देखिए, हमें धीरे धीरे ये सुनहरे कलर होने तक इसको हमको निकाल लेना है बनाकर। तो देखिए, हम जिस तरीका से निकाल रहे हैं, आप उस तरीका से इसको निकाल लीजिए। तो देखिए, निकल गया है। अब हम इसको पानी बना रहे हैं। इसको हमें पहले पानी थोड़ा सा ले लेना है कोई बर्तन में, और इसके डूबने तक हमें पानी इसमें लेना है। यानी हमने 200 ग्राम का ये दही बड़ा बनाया है, तो कम से कम इसमें 250 ग्राम हम पानी डालेंगे। और जो हमने पाउडर बनाया था ना, जो इसका हमने पहले ही इस मसाले की रेसिपी वहाँ शुरू में दे दी है, तो वो पाउडर को हम 1 चम्मच इसमें डाल देंगे और उसी में हमको इस दही बड़े को भिगो देना है। तो हमें ये कम से कम 10 मिनट के लिए भिगो देना है, क्योंकि पहले से ही मेरा ये सॉफ्ट है। अगर आपका सॉफ्ट नहीं रहे तो आप आधे घंटे के लिए फुला सकते हैं, मेरा सॉफ्ट है। तो ये हमें
बस 10 मिनट के लिए फुला देना है। इसमें थोड़ा सा पानी इसका जो है अंदर जो है पी लेगा, तो उसके बाद हमें हाथ से इसको निचोड़ के निकाल देना है। तो आप अगर हथेली पे इस तरीका से निकालेंगे ना, तो ये जो है अपने आकार को ले लेंगे, चिपटे से हो जाएंगे, जैसे हमने अंगुली पे इसको दही बड़े बनाए हैं। तो इस तरीका से हमें निकाल लेना है। अब आपको जिसको मन हो, जिस तरीका से परोसिए, किसी भी बाउल में, किसी भी बर्तन में आप इसको रख दीजिए, ऊपर से दही डाल दीजिए और थोड़ा सा जो हमने पाउडर बनाया है ना उसको भी आपको छिड़क देना है। बस आपका काम खत्म। जिसको भी देना हो खाना हो खाइए, इंजॉय करिए अच्छे से, बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। और दूसरा प्रकार है दोस्तों कि दूसरे प्रकार से भी आप बना सकते हैं। जैसे क्या होता है, दही को घोल दीजिए और उसमें आप पतला रखिए और उसमें थोड़ा ये वाला मसाला जो है मिला दीजिए और उसके बाद इसमें इसको डुबो दीजिए, तो ये भी आप इस तरीका से भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी को प्लेट में परोसना हो तो इस तरीके का दही बड़ा अच्छा होता है। तो आप इसमें 2-4 दही बड़े डाल दीजिए और जिस तरीका से मैं दही डाल रही हूँ उस तरीका से दही डाल दीजिए और मसाले को छिड़काव कर दीजिए। और थोड़ा सा जो है आप साबुत ये लाल मिर्च की जो कुटी हुई होती है ना, या तो कश्मीरी मिर्च होती है, थोड़ा सा उसका भी आप छिड़काव कर दें तो ये बहुत देखने में बहुत सुंदर लगने लगते हैं। तो देखिए बिल्कुल भी तैयार है, अपने परिवार के साथ खाइए और इंजॉय करिए। और दोस्तों सबसे मुख्य बात ये है कि इसका जो है मस्ट है कि इसको अच्छी तरीका से आपको फेंटना है और इसमें जो है मसाले बिल्कुल भी हल्के हल्के से डालना है। अगर किसी को ज़रूरत है तो ऊपर से ले लीजिए, नहीं तो नमक ज़्यादा हो जाएंगे। तो दोस्तों धन्यवाद।